मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम। अपने नाम के फर्स्ट लेटर से स्टेटस वीडियो बनाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और इस स्टेटस को आप कहीं भी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, तो ये वायरल होने का इसके ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन में काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, बस वाले आइकन पर क्लिक करिएगा, उसके बाद 1:1 रेशियो का प्रोजेक्ट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मीडिया पर क्लिक करके बैकग्राउंड में जाना है और आपको ये वाली बैकग्राउंड लेना है, ठीक है दोस्तों, ये वाला। फिर राइट क्लिक करना है, इसके ड्यूरेशन को भी इस तरह से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। बढ़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, इसके मैग्निटी को ऑन कर देना कुछ इस तरह से। आपको नेम का फर्स्ट लेटर टाइप करना है, यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर अपने नेम का फर्स्ट लेटर टाइप कर सकते हैं, या फिर आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, इसे इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ डबल ए पर जाना है, और उसके बाद जाने के बाद आपको ये वाली फॉन्ट दोस्तों डाउनलोड करनी होगी, सिंगल ब्लैक, ठीक है। आप लोग यहाँ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये ला चलिए फॉन्ट लगाते हैं, राइट क्लिक कर दीजिएगा, फिर आपको कुछ इस तरह से बड़ा कर देना है, ठीक। फिर आपको यहाँ से नीचे जाना है और ग्लो वाला को इस तरह से कर देना है, ओके। फिर इस क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों ब्लैक कलर ले लीजिएगा, ठीक है। फिर इसको फुल कर दीजिएगा, राइट क्लिक कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, आउटलाइन को भी इनेबल करना है, फिर इस पर क्लिक करके आपको ब्लैक कलर लेना है, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर देना है, इसके ड्यूरेशन को भी लास्ट तक कर देना है, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से एक टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके एक वीडियो को ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से ऐड करके यहाँ पर यहाँ नीचे कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शन में और इसे स्क्रीन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा, इसके साउंड को भी इस तरह से ऑफ कर लीजिएगा, इस तरह से ऑफ कर लिए, राइट क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन वाला वीडियो ऐड करना, ठीक है। लेयर पर क्लिक करें, मीडिया पर क्लिक करके आपको एक सॉन्ग वाली वीडियो को ऐड करना है, ठीक है। फिर यहाँ बीच में कर लीजिएगा, फिर नीचे जाइएगा ब्लेंडिंग ऑप्शन में और यहाँ से स्क्रीन कर लीजिएगा, ठीक है। अब राइट क्लिक कर दीजिएगा, इसको खींच कर शुरू वीडियो को शुरू में कर दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा प्ले करके देखिए इसे, और बीच में लाइनिंग दोस्तों दिख रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी पर क्लिक करके आपको यहाँ से कलर एडजस्टमेंट पर जाना है, इसे इस तरह से फुल कर दीजिएगा, इस तरह से इसे ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से दोस्तों एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा, इसमें आपको दिल वाला इमोजी लगाना है, ठीक है। लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, और इस पर क्लिक करके आपको 3 दिल वाला इमोजी ले लेना है। फिर ओके पर क्लिक करके इसके साइज को इस तरह से छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लगा लीजिएगा, कर लीजिए, ठीक है। इसके ड्यूरेशन को भी लास्ट तक कर दीजिएगा, ठीक। आपको इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर ओवरऑल पर एनिमेशन पर जाइएगा और यहाँ से ये फ्लिकर वाला कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ऊपर भी लगाना है तो फिर से लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करके एक और दिल का इमोजी कुछ इस तरह से लगा लीजिएगा, और भी कहीं कहीं पर लगा सकते हैं। डुप्लीकेट पर क्लिक कर दीजिएगा और इसे फिर से खींच कर आपको इधर लगा देना है, ठीक है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इमोजी यहाँ पर लगाना है, ठीक है। लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करके आपको अब इमोजी सेट करना है, ठीक है। ये वाली इमोजी लगा लीजिए, फिर ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसके ड्यूरेशन को भी वीडियो के लास्ट तक कर दीजिएगा और यहाँ पर ले आइएगा, ठीक है। यहाँ पर ले आइएगा, आपको क्या करना है, इसी इमोजी को सिलेक्ट करके इसे दोस्तों जितना पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, 4-5 पार्ट, ठीक है। इस पर क्लिक करके स्प्लिट टू प्ले हेड कर दीजिएगा, फिर स्प्लिट टू प्ले हेड कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से 5-6 पार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकेंड वाले पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करिएगा और इमेजी को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से तरफ भी लगा सकते हैं, यहाँ जो सॉन्ग दिया हुआ है बीच में, आप इसके लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में दोनों तरफ लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसे सेव करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने साइज को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
इस तरह से स्वर पर क्लिक कर दीजिएगा।